दोस्तों सोना ठाकुर, दोस्तों आज में ना जो सबसे बिगेस्ट ऑब्जेक्शन है रियल एस्टेट में, सबसे ज्यादा परेशान करता है, उसको मैं सोचता हूँ कि क्लियर कर दूं। गेस कर सकते हो आप लोग क्या है वो? मेरे ख्याल से काफी लोगों ने सही पहचाना, किसी ने प्राइस सोचा होगा, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कमीशन। आप इतना कमीशन क्यों ले रहे हैं? बगल वाला ब्रोकर तो इतने कम में काम करने को तैयार है। नो ब्रोकर जैसी साइट आ गई है, ऐसा है डायरेक्ट डायरेक्ट डील करना। मैं आपको बताऊं, एक आदमी मतलब कोई तो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा, मास्टरपीस होगा जो ब्रोकरेज देके खुश है। हर आदमी ब्रोकर को स्किप करना चाहता है। हम सोसाइटी में मतलब सोसाइटी के जो भी टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में कितनी तो भी रिक्वायरमेंट आती है और मैं हंसते रहता हूँ कि माय फ्रेंड इज लुकिंग फॉर 2 BHK फ्लैट यू नो टू परचेज एंड ऑल, बट ब्रोकर्स नो ब्रोकर विदाउट ब्रोकरेज। मैंने कहा कि लोगों की मेंटालिटी समझ में आ रही है, किसी को ब्रोकरेज नहीं देना है भाई, उनको बहुत खलता है। तो ये सिचुएशन है। तो फिर अब कमीशन लेंगे और उसमें नेगोशिएट होना, आप लोग जानते हो कि जो कमिट किया था, आप मान के जो 10-20% कमीशन कम आता है, इस चीज से अगर सीख गए रियल एस्टेट पूरा सीखना और अपना कमीशन पूरा का पूरा 100% निकालना, वो पूरा रियल एस्टेट एक तरफ है, उससे ज्यादा मुश्किल काम है अपना कमीशन लेना। पता नहीं कितने लोग सहमत होंगे। अब मैंने तो शुरू में इतना झेला है क्योंकि बड़ा शरीफ आदमी था मैं, पर इन लोगों ने मुझे परेशान कर करके ना अभी चैंपियन बना दिया। अब मैं पूरा निचोड़ लेता हूँ अपना, क्योंकि मैं सेम गलती बार बार नहीं करता। सेम गलती बार बार करने वाले को मूर्ख कहते हैं ना, वही गलती भी। अब तो बिल्कुल शुरू से फी लेटर से लेके जब कौन से यू नो ये इस पे भी थोड़ा सा बात कर देंगे एक अलग वीडियो में। पता नहीं अभी टाइम कितना चलता है कि कब मांगना चाहिए। एक मिनट का यार सब बताते हैं नहीं देने पर, कब कब देना चाहिए? कब रेंटल का एग्रीमेंट होने के बाद, पोजीशन देने के टाइम पे या टोकन होने के टाइम पे, कब लेना कब है? सेम रिसेल में या बिल्डर का फर्स्ट सेल में क्या करना है? तो पहले तो कमीशन को निपटा लेते हैं कि वो कहता है कि बगल वाला जो ब्रोकर है वो तो मेरे को यू नो आधा परसेंट में काम करने को तैयार है। ये आएगा ही कि लोग तो इतने में करते हैं। बोला भाई देखो, ये तो रेड फ्लैग है, खतरे की घंटी है भाई। अगर कोई जहाँ पे 2% है या 1% है उसके जगह वो आधे टक्के में कर रहा है, वो आपका क्या काम करके देगा यार? मैं सिंपल बोलता हूँ, सोचो ना, जो खुद का ब्रोकरेज नहीं मांग पा रहा है उसमें कम, उसको मालूम है वो क्या सर्विस देने वाला है, इसलिए उसके रेट फिक्स है। फर्क है ना, एक एप्पल का मोबाइल लो और एक कोई चाइनीज लो, दोनों में फर्क है ना। वो लोग कितना देते हैं डिस्काउंट, कभी देखा है एप्पल की चीज है 40% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट? मुश्किल से 2-5% में देते हैं वो लोग, क्योंकि उनको मालूम है क्या चीज है, क्या बंद पड़ गया क्या, वो सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है भाई, एप्पल वॉच, एप्पल फोन, यू नो एप्पल का कुछ भी ले लो। आजकल तो गाँव में जींस पे भी एप्पल का लोगो लगा के घूमते हैं। मैंने बोला यार क्या पता यहाँ पहले जींस आ गई क्या एप्पल की। खैर, तो आप समझ रहे हो, सिंपल बताता हूं कि उसको पता है उसकी कैपेसिटी कितना है, इसलिए उसने अच्छी चीज सस्ती नहीं होती, सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। अब आप यू नो मारती भी है मर्डीज भी है, देखो एक 50 लाख की एक 5 लाख की है, क्यों है इसका क्या बोलेंगे, एक बार बैठो पता लग जाएगा। तो वो सेफ्टी या मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे, तो आप अपनी वैल्यू बताओ वहां पे कि मैं क्या दूंगा उसके बदले में। कई बार लोग खाली बोलते हैं हम आपका यू नो कैंपेन रन करेंगे, ये करेंगे, उससे भी ज्यादा मैं ना उनको ये चीज बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए फर्क हाँ, कि हम आपका ये करेंगे, इतना विजिट ऐसे करेंगे, वो तो ठीक है, वो आपकी टेक्निक है, वो आप बता रहे हो। मैं ये बताता हूँ कि आपको कोई रिस्क नहीं होगा, एकदम सेफ, एकदम नीट क्लीन स्मूथ वो ट्रांजेक्ट, क्योंकि जब इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व है ना तो आदमी ये बड़ी चिंता के विषय रहते हैं उनके पास कि कुछ गलत ना हो, कुछ झोल झाल ना हो जाए, परेशान ना हो जाओ, टोकन देके फंस जाओ, इधर लट जाओ, एग्रीमेंट साइन कर लो, बाद में लटका ना दे, वो बड़ा बर्डन रहता है। फिर 1-2 लाख कुछ नहीं लगते, क्योंकि 1 करोड़ स्टेक पे 1-2 लाख तो बनता है। आप देखो कि जो सर्विस कराने वाले हैं, जो जितनी बड़ी गाड़ी लेंगे ना तो एक्सटेंडेड गारंटी वारंटी आप लोग जानते हो 2 साल की 3 साल की वो सब लेते हैं, क्योंकि मालूम है इसमें कुछ हुआ तो बड़ा खर्चा आएगा, तो यार वो ले लो इंश्योरेंस। छोटा मोटा चीज है तो वो वाले नहीं, वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। और वो लोग एकदम सर्विसिंग कहाँ, किधर भी नहीं जाके गैरेज में कराते, उनके जो सर्विस सेंटर है प्रॉपर ऑथराइज वहीं पे वो सारी चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भले 2 पैसा ज्यादा दे लेकिन वो सरदर्द नहीं लेना चाहते। तो वो चीज की उनको बताओ कि आपको रिस्क जो है ना आपका 0 होगा, पूरी 100% जिम्मेदारी से आपको एकदम टकाटक खटाखट काम करके मिलेगा, तब वो मजा आएगा देखना। ये चीज कितना कॉन्फिडेंस है आप बोलते हो,
कि पूरे डील में आप डील देखो फिर बात करेंगे सर। मैं तो बोल देता हूं अभी कुछ मत बोलो नेगोशिएशन का, आप भी सही हो, देखो आपकी जगह पे आप गलत नहीं बोल रहे हो, हर आदमी चाहता है, पर हमारा काम देखो, आप फर्क देखो दोनों से। आप थैंक यू बोल के जाओगे सर इतना बोल रहा हूँ, ब्रोकरेज तो यू नो आपको लगेगा भी नहीं कि जो भी अच्छा काम करता है, आप खुद देखो आपने जब भी किसी की सर्विस दी जो उसने बोला उससे ज्यादा दिया ना, आप दिल से खुश हो जाते हो यार। और ऐसे आदमी बहुत कम है। पहली बात तो आपको अपना काम सुधारना पड़ेगा, अच्छा देना पड़ेगा सर्विस। कई बार मेरे को बोलते सर प्रॉपर्टी तो मिल गई है लेकिन बायर कहां से लाए, वो बायर का मारा मारी खत्म करना है ना, जो आदमी मिले उसको बेस्ट, भले सेल नहीं कर पाया है मैंने, पर मैं उसको जो दिखाने में ईमानदारी से सच्चाई से मेहनत से लगन से काम कर रहा हूं ना, वो आपसे नहीं भी लिया ना वो अप्रिशिएट करके जाता है यार कि भाई तेरे जैसा नहीं देखा। शुरू के मेरे अपने दिन ऐसे थे, पहले दिन मैंने नहीं ऐसे दो चार टोकन कर दिए, कोई बोलता होगा तो एक नंबर का झूठा है, सबको लगे थे दो चार महीने सीखने में ये काम को, गलतियां सबने की है, पेट से कोई नहीं सीख के आया था, पर मेरे इंटेंशन अच्छे थे, भावनाएं बड़ी अच्छी थी, जिसके कारण लोग यू नो ले नहीं ले फिर भी बोलते थे यार कुछ भी रहा ना तो मैं बताऊंगा। और आज भी जो 10 साल पहले सर्विस लिए थे वो क्लाइंट यू नो वो खाली क्लाइंट नहीं रहे, वो आज मेरे दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्तों में से हैं। मैं इतने ज्यादा दोस्तों नहीं संभाल पाता लेकिन वो मुझे जरूर याद करते हैं क्योंकि मैंने वो रिलेशन बिल्ड करके रखा और उनको जो डिलीवर किया वो एकदम टॉप क्लास का किया। तो इससे फर्क पड़ता है। अभी मैंने यू नो एक बेटी की शादी की थी तो सब लोगों को फोटोग्राफर का भी काम दिया था, एंगेजमेंट में अलग था, काम नहीं पसंद आया, खराब कर दिया रिव्यू, इसको दिया जितना इसको बोला इसने उससे डबल काम अच्छा किया, खुद खुशी खुशी ऐसा दिल हुआ कि यार मैं मतलब बोला उसको कि सब रेफरेंस देना तो अलग बात है, जब लाइफ में जब भी कोई ओकेजन होगा मैं तुझे याद करूंगा, और 5-10 हजार मतलब खुद ऐसे मैंने हिसाब भी नहीं किया, मैंने बोला देना चाहिए यार ये बंदे को, ऐसे लोगों को ना अपलिफ्ट करो कि ये लाइफ में कुछ आगे कर। सेम कैटरर वाला जितना बोला उसको लगा था ये लास्ट में ना बोलेंगे कि ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं, कमी निकाल के काम करना, मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला भाई बहुत अच्छा काम किया, ये 5 हजार तू अलग से रख। हर जगह पे मैं ये करता हूँ, काम अच्छा है तो अप्रिशिएट करता हूँ, कोई गरीब नहीं हो जाता। अब फर्क क्या हुआ, उसने जो किया किया था उसने और भी कुछ बोला आपको कॉम्प्लीमेंट्री ये दे देता हूँ, अब जो करो तो सही यार। मैं एक ही चीज मैं बोलता हूँ कि आप ये बिजनेस में कोई फेल हो ही नहीं सकता अगर वो ईमानदारी से सच्चाई से अच्छाई से मेहनत करके पूरा अपना फोकस क्लाइंट पे रखे, पूरा फोकस उसके फायदे पे उसकी बचत पे। देखो तो ब्रोकरेज का मैंने पहले बता दिया कि ये भाई डिस्काउंट का मतलब कैसे, मैं दोनों का फर्क बता रहा हूं, तो नेगोशिएट नहीं करेंगे। आप शुरुआत कहां से होती है, शुरू में एकदम क्लियर कर दो, कैसे अभी समझो मेरा सौदा हो रहा है ये है, कितना ब्रोकरेज रहेगा सर 2% रहेगा, 1% रहेगा तो 1% जो है वहां पे पहले क्लियर करो, वो बाद में खिचड़ी नहीं पकाने का, देखेंगे सर वो करेंगे सर, उसमें फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। अब हो गई बातचीत तुरंत एक फी लेटर साइन कराओ, साइन रिटर्न में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, जबानी बात पे आज के ये ऐसे घोर कलयुग है भाई, कोई किसी पे भरोसा नहीं करो, सगे भाई पे मत करो, ऐसा टाइम चालू है उसके अंदर आप उसने बोला कि ठीक है ये वो और बाद में वो भूल जाता है, देने वाला हमेशा भूलेगा याद रखना, देने वाला लेने वाला कभी नहीं भूलेगा, उधारी में भी आप देखो वो भूल जाता है, जो यू नो लेने वाला भूल जाएगा देने वाले को याद रहता है बराबर। तो ये जो है अपने को बहुत ध्यान रखना है कि भाई रिटर्न में अब मैं जैसे बोल देता हूँ फी लेटर साइन कराओ, लोग बोलेंगे सर फॉर्मेट दे दो, अरे भाई आपको सब बताओ भी करके भी दे दो, ये आप अपने बिजनेस में हो इतना तो कर लो, उसमें क्या है 2 लाइन लिखना है कि इतना मेरा ब्रोकरेज बनता है फॉर सर्विसेज 2%, 1%, ये MOU बनता है उसमें लाइन डाल दो, या आपके लॉयर को बोलो 1-2 लाइन का मेरे को बता दो ये साइन करा के लेना है कि अगर आपका अगर ये भेज देता हूं मैं तो मेरे को 50,000, 1,00,000 रुपए जो भी ये लिखा के साइन करा लो। उधर क्लियर हो गए ना, आप कोई ऐसा एक एग्जांपल बता दो कि आपने फी लेटर साइन करा और बाद में वो मुकर गया। हाँ मांगेगा फिर भी पर नहीं डिस्काउंट देने का। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री बोलना भाई मैं तेरा ये कर दूंगा, बहुत मेरा रेंट में समझो अगर डिस्काउंट की कोई बात करता तो मैं बोलता हूँ रजिस्ट्रेशन में मेरी तरफ से कर दूंगा, हाफ ऑफ रहता है टेनेंट इसका, क्या जाता है 2-3 हजार उसको क्या है, पर बोलने को एक हो गया चलो सर मैं आपका रजिस्ट्रेशन करके दे देता हूं पर डिस्काउंट नहीं, क्लियर। अभी कंपटीशन इतना ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, हार्ड एंड फास्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, मार्केट में कंपटीशन है
तो आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है, पहले एकदम से नहीं। अभी जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई फोन करता है कि आपके पास 2 BHK कितना ब्रोकरेज है, आएगी ये बात, वो पूछना चाहेगा, तो मैं वहां पे नहीं बोलता कि मेरा इतना ही है, 2 महीने का लूंगा, नहीं तो नहीं, दूसरा ढूंढ लो, ये कोई तरीका नहीं होता है। बात कैसे करना है, कब करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सही बात पता रहता है, टाइमिंग भी सही होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरा अलग स्क्रिप्ट रहेगा, यहाँ पे मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई आप आ जाओ सर, प्रॉपर्टी फाइनल करो, कर देंगे सर, कोई टेंशन मत लो ब्रोकरेज का। मैंने कुछ भी नहीं बोला कि इतना ही लेता हूँ उतना ही लेता हूँ, जो भी मार्केट में चलता है सर उस हिसाब से कर लेंगे। नहीं, वो बोलेगा फिर भी बता दो सर, आप पहले आप घर देखो, हमारा सर्विस देखो, हो जाएगा वैसे। फिर बोल देने का, देखो सर अगर देखेंगे तो 45 डेज का रहता है, पर कैसे, आप कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हो, क्या है आपकी रिक्वायरमेंट, समझने के बाद ही हम ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं तो बोल दो कि हमारे पास 3 प्लान है, कौन से प्लान के थ्रू काम करना चाहोगे, रहे नहीं रहे, पर वो एक स्क्रिप्ट है मेरी। बोलेगा कि नहीं नहीं जिसमें कम, हाँ उसमें सब काम आपको ही करना पड़ेगा, फिर पॉलिसी वेरिफिकेशन एग्रीमेंट, आपको जाना है ये करना वो करना है, हमारा काम है खाली बोल देंगे, वो फ्लैट पे चले जाओ और आप जाओ और देखते रहो, हम 10 ऐसे बताते रहेंगे, फिर आपको परेशानी होगी, उल्टा बेस्ट दो, क्योंकि आप देखो यार, अगर कोई रेंट पे मैं खुद अगर ढूंढने जाऊँ तो पागल हो जाता है आदमी, पसंद की चीज मिलती कितना मुश्किल से है, क्योंकि कहीं भी जाओगे कुछ भी देखोगे, देख देख के 3 दिन अपना जॉब का खड़ा होगा, इधर भागोगे पेट्रोल पानी जाएगा, उससे कहीं परवड़ता है कि एक बंदे को क्लियर कट रिक्वायरमेंट बता दी कि मेरे को यहाँ पे इस सोसाइटी में ऐसा फेसिंग ये सब चाहिए करके दे रहा है, तो कोई भी देगा ना महीने 45 डेज का, और आजकल तो सारी कंपनियां उनको रिम्बर्स कर सकती हैं, तो वो देने को तैयार रहते हैं, तो वो टाइम भी मत बोलो। हाँ जैसे उसको पसंद आ जाए, अब आप उसका मन पढ़ना आना चाहिए कि भाई को जम गया लेना यही है, फिर आप चाहे जैसे अपने टर्म्स कंडीशन पे डील करेंगे, फिर तो सर मैं 45 डेज का दूंगा, उससे कम एक पैसा नहीं करूंगा, हमारा तो बस इसी हिसाब से काम करते हैं, सब डिमांड एंड सप्लाई का है बॉस, चीज एक है, 10 लोग लेने वाले हैं तो मैं 45 डेज का बोलूं 2 महीने पे, समझ रहे हो आप। अब जैसे स्टूडेंट लोगों का है, स्टूडेंट लोग अपने पास आते हैं तो 2 महीने का ले लो, क्योंकि कोई देता नहीं है और अपने पास ही है ये चीज, फिर अपने पास ही है तो हीरा नहीं है वो, कोई नूर है, अपने हिसाब से होगा, पता लगा कि ये 10 ब्रोकर के पास है ये प्रॉपर्टी, आप उन नहीं करे वो कर डालेगा, क्लाइंट एकदम हॉट है, एकदम टोकन के साथ है, उधर कम ज्यादा कर लेने का, घर का क्या दे रहे हैं अपन, स्मार्ट रहने का। आज के डेट में ना खाली हार्डवर्क से नहीं काम करेगा, हार्डवर्क और स्मार्ट आदमी तभी ज्यादा कामयाब बनेगा, खाली स्मार्ट है मेहनत नहीं करता तब भी फेल है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, समझ रहे हो। तो ब्रोकरेज का ये इशू है, उसके बाद लेना कब है अगर बात करेंगे तो जैसे एग्रीमेंट हो जाता है तब, या तो जब पोजीशन दे देते हैं तब, 2 ही तरीके के रहते हैं। एग्रीमेंट के टाइम पे ले दो, भाई सौदा हो गया, एडवांस दे दिया, सब हो गया, अभी तो कुछ है नहीं इधर उधर का, तब दे दो, नहीं तो कुछ पार्ट वहां पे पेमेंट कर दो, पोजीशन पे कुछ दे दो। मान लो कि मेरा एक फैन का थोड़ा स्विच खराब था, सारा हो गया, बोला वो करा दोगे तो दूंगा, तो मैं क्या बोलता हूँ, कितना देने वाले थे ब्रोकरेज, 25,000 ना, ठीक है ना, 2,000 रोक लो ना, नया भी लोगे तो तुम खुद भी लगा सकते हो, 200 रोक लो, 500 रोक लो, जो उसका वैल्यू है, बाकी का तो मेरा क्लियर करो ना जितना काम हो गया, तो ऐसे करके क्लियर करते जाने का। और जब भी उनको आपको ब्रोकरेज में नेगोशिएट करना होता है, रिलेशन बनाएंगे, जैसे कि जैसे मैं हूं तो मिलेंगे तो, और ठाकुर साहब आप आर्मी के हो, मेरे फादर भी थे, मैं भी था, ये वो, जो ऐसे लोग हैं मैं उनसे सख्त रहता हूँ, हाँ ठीक है ना, सर्विस ठीक है, अरे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा खाएगा क्या, नहीं तो आप कहाँ के रहने वाले हो पूछेंगे, अच्छा ये वो ऐसे नहीं है, नेगोशिएट करने के लिए 10 रीजन ढूंढते हैं, या कोई बोलता है ब्रोकरेज देने आता हूँ ना आपसे मिल के बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ मिलके तो हम चाय पियेंगे खाना खाएंगे, लेकिन अभी मेरा काम हो गया, वो पैसे दे दो सर, मेरे को भी आगे क्लियर करना है, और सख्त होके बोलता हूँ, थोड़ा सा एक्टिंग मैं हूँ नहीं इतना सख्त, मेरे 2 बार किसी ने मांगा तो मैं पिघल जाता हूँ, बोलता हूँ ठीक है यार कर दो कम, पर अभी एक्टिंग करने के लिए मैं एकदम खड़ूस होके बात ही नहीं करता, वो पूछेगा मैं बोलता हूँ सर जल्दी में हूँ थोड़ा सा बोलो ना काम की बात, जानबूझ के, क्योंकि मेरे को मालूम है अभी काम हो गया है पैसे देने वाला है ये टाइम पे, अभी ये मस्का मार रहा है समझ गए। तो ये है, तो अभी जैसे था कि इस कमीशन को कम ज़्यादा का जो भी है, तो एक ही ध्यान रखो, क्लाइंट को छोड़ने का नहीं है अपने को, साथ साथ अपना भी अपने को फायदा है, ऐसे विन विन दोनों काम करके लेना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और कोई बोलता है कि वसूल कैसे करे क्या करे लड़ाई झगड़ा करे पुलिस में, कहीं कुछ नहीं होता, मैं रियलिटी ये बता रहा हूँ, पता नहीं किसी ने वसूला होगा तो, आप क्या 25-30 हज़ार के लिए क्या कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे क्या, इधर जाओगे वो
ठीक है, प्यार मोहब्बत से ही निकल रहा है वो सबसे बेस्ट है, क्या है बाद में आपका रिव्यू खराब कर दिया, नेगेटिव फैला दिया, तो उसके 10 गुना लॉस होता है। तो कैसे, क्योंकि सबके सब खराब नहीं होते। कई बार मैंने देखा ब्रोकर लोग भी ना एक से एक एकदम स्पेशल रहते हैं, कुछ नहीं करते, खाली ब्रोकरेज के लिए आके खड़े हो जाते हैं। बहुत एक्सपीरियंस किया है मैं तो बोलूंगा कि मतलब मोर देन 50% मुझे नहीं लगता कि वो ब्रोकरेज की लायक ही रहती है जितना उन्होंने काम किया। सर्विसेज कुछ नहीं देते हैं और खाली पैसे के लिए आते हैं। सही में मैं रियल एस्टेट आने से पहले मुझे खुद बहुत तकलीफ हुई है इन लोगों से। तो आप थोड़ा सा हटके ऐसे सर्विस दो तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बेस्ट देते हो कोई आपका पैसा नहीं खाने वाला, बस याद रखना। और एकाध तो मिल ही जाएगा, एक्सेप्शन दुनिया में कहाँ नहीं है। जो उधारी पे धंधा करते हैं उनका भी डूबता है, जो लोन लेते हैं वो भी डूबाते हैं, तभी तो इतना सारे सिक्योरिटी चेक करते हैं। तो वो फिर है ही, उससे तो उसके छोड़ के आप काम तो नहीं छोड़ सकते ना। बोलते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर देखा जाए तो बेड के ऊपर मरते हैं। सबसे ज्यादा डेथ कहाँ होती है, तो बेड पर होती है। तो क्या ये सोच के कि बेड पे सबसे ज्यादा डेथ होती है हम सोना छोड़ देते हैं? नहीं ना, तो बस ऐसे ही है। और यही सब झेलने का पैसा है, आसान होता तो पूरी दुनिया यहाँ कर लेती। समझ गए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।